आईआईटी एडवांस 2020 का एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है एम इनवर्स इज गिवेन है, एम इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ एम, दिस इज द गिवेन। और बाकी जो सारे जो ऑप्शंस है इसी से हम पता कर पाएंगे। तो पहले यहाँ पर देखो, एम इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ एम आया, तो टेकिंग डिटर्मिनेंट्स ऑफ बोथ, तो एम इनवर्स डिटर्मिनेंट्स एडजॉइंट ऑफ एम का डिटर्मिनेंट्स, तो इसका प्रॉपर्टी होता है, या एम इनवर्स का डिटर्मिनेंट्स इज इक्वल टू 1 बाय डिटर्मिनेंट्स ऑफ एम हुआ, एडजॉइंट ऑफ एम का डिटर्मिनेंट्स हो जाता है डिटर्मिनेंट्स ऑफ एम टू द पावर एन माइनस वन का स्क्वायर, तो एन इज 3 × 3 मैट्रिक्स, तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे सिंसियर एडजॉइंट ऑफ डिटर्मिनेंट्स ऑफ एम इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट्स ऑफ एम पे पावर एन माइनस वन का स्क्वायर वेयर एन इज इक्वल टू ऑर्डर, तो 3 ऑर्डर का मैट्रिसेस है यहाँ पे, तो एन के जगह पर 3 पुट कर देंगे तो डेट इज द 2 स्क्वायर, तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ एम टू द पावर 4 आ गया, द डिटर्मिनेंट्स ऑफ 4, तो डेट इज द डिटर्मिनेंट्स ऑफ एम पे पावर 5 इज इक्वल टू 1 आ जा रहा है, तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ एम इज इक्वल टू 1 आएगा, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट, बी इज करेक्ट। फिर इसके बाद और भी जो गिवेन है वो इसी से प्रोसीड करते हैं, एम इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ एम इज हेयर, तो एडजॉइंट ऑफ एम इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग जानते हैं ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ एम इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ एम बाय डिटर्मिनेंट्स ऑफ एम, तो इसीलिए लिख सकते हैं एडजॉइंट ऑफ एम इज इक्वल टू एम इनवर्स इनटू डिटर्मिनेंट्स ऑफ एम। एम इनवर्स इनटू डिटर्मिनेंट्स ऑफ एम, तो यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ एम के जगह पर फॉर्मूला पुट कर देते हैं, एडजॉइंट ऑफ एम इज इक्वल टू, इस एडजॉइंट ऑफ एम के जगह पर फॉर्मूला पुट कर देते हैं एम इनवर्स इनटू डिटर्मिनेंट्स ऑफ एम, और डिटर्मिनेंट्स ऑफ एम इज 1 आया, इसका मतलब है डिटर्मिनेंट्स ऑफ एम इनवर्स, और डिटर्मिनेंट सॉरी एडजॉइंट ऑफ एम इनवर्स, तो एडजॉइंट ऑफ एम इनवर्स एडजॉइंट ऑफ एम, तो एडजॉइंट ऑफ एम इज इक्वल टू एम इनवर्स इज इक्वल टू इनवर्स इनटू डिटर्मिनेंट्स ऑफ एम, तो एडजॉइंट ऑफ एम इनवर्स इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग एम इनवर्स का इनवर्स और डिटर्मिनेंट्स ऑफ एम इनवर्स, दिस इज द एम इनवर्स इज इक्वल टू, तो एम इनवर्स का इनवर्स एम रह जाएगा और डिटर्मिनेंट्स ऑफ एम इनवर्स इज 1 बाय डिटर्मिनेंट्स ऑफ एम, जिसका पहला ऊपर प्रॉपर्टी यूज किया था, और डिटर्मिनेंट्स ऑफ एम इज इक्वल टू 1 आया, तो सो एम इनवर्स इज इक्वल टू एम आया, सिंस हेयर एम इनवर्स इज इक्वल टू एम आया, तो एम इनवर्स को एम से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो एम और एम, तो यहाँ पे हमने क्या देखा, एम इनवर्स एम इज इक्वल टू आई हो जाएगा, तो डेट इज द एम स्क्वायर, तो एम स्क्वायर इज इक्वल टू आई, तो बी इज सी इज द करेक्ट ऑप्शन। फिर डी चेक कर देते हैं, तो डी में हम लोग प्रॉपर्टी जानते हैं एडजॉइंट ऑफ एम स्क्वायर इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ एम स्क्वायर, और एम स्क्वायर इज इक्वल टू आई गिवेन है, तो एम स्क्वायर इज इक्वल टू आई गिवेन है, तो एडजॉइंट ऑफ आई और एडजॉइंट ऑफ आई इज आई होता है, इसका मतलब डी भी करेक्ट हो रहा है, तो ए बी ऑप्शंस करेक्ट हो रहा है, सी ऑप्शंस करेक्ट हो रहा है, और डी ऑप्शंस करेक्ट हो जा रहा है।